नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी एक बार फिर आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो सभी दोस्त, सभी मित्र, सभी साथी एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे सेशन को। जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए, जितना ज्यादा आप लाइक कर सकते हैं लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को फटाफट क्या कर लें मेरे दोस्तों, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सारे के सारे दोस्त आ जाइए यहाँ पर फटाफट। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखो बेटा, दिसंबर का जो महीना है ना, इसमें कई बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसीज, बहुत अच्छी वैकेंसीज आपके लिए है। सैलरी की मैं बात करूं तो बहुत अच्छी अच्छी सैलरी भी है इन वैकेंसीज के अंदर। तो मैं आप लोग के लिए बैक टू बैक वो सारी वैकेंसीज का जो है डिटेल लेकर आ गया हूं। हाँ, तो सब लोग बिल्कुल जल्दी से जुड़ जाइए और इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सारे मित्रों के पास, ताकि उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके कि हम किस किस वैकेंसी के बारे में डिस्कशन करने वाले। तो आपकी सबसे पहली, सबसे बड़ी और सबसे चहेती वैकेंसी जिसमें सबसे ज्यादा नंबर्स हैं, नंबर बहुत ज्यादा है जिसमें, अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं तो 26,146 वैकेंसी, जिसमें पदों की संख्या की अगर मैं बात करता हूं तो 26,146। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं, लेट नहीं करते हैं, जरूर मैं ये समझ पाऊंगा कि आप लोग जल्दी जल्दी शेयर कर देंगे इसे। तो सबसे पहली एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 की वैकेंसी, अगर मैं इसकी बात करने की कोशिश करता हूं तो आप लोग के फॉर्म 24 तारीख से भरे जाना स्टार्ट हुए हैं और 31 दिसंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं लास्ट डेट जो है फॉर्म को भरने की, वो 31 दिसंबर है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने फीस पे नहीं करी है तो एक दिन आपको फीस पे करने के लिए दिया जाएगा, 1 जनवरी तक आप फीस पे कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं विंडो करेक्शन की, अगर आपसे फॉर्म भरने में कोई गलती होती है तो 4 से 6 जनवरी तक आप फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं, और आपका जो एग्जाम है उसकी डेट आ चुकी है तो 20 फरवरी 2024 से लेकर के 12 मार्च 2024 तक आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। भाषा 13 रीजनल लैंग्वेज और प्लस हिंदी और प्लस इंग्लिश, आपका 15 भाषाओं में कुल पेपर कंडक्ट होने वाला है। अगर मैं एज लिमिट की बात करता हूं मेरे सेरो, तो आपकी उम्र 18 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए। कैसे? आपका जो जन्म है, आपका जो जन्म है वो 2 जनवरी 2001 से लेकर के 1 जनवरी 2006 के अगर बीच में है तो आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए, अदरवाइज एलिजिबल नहीं है। ओबीसी कैटेगरी के सारे कैंडिडेट्स को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा और एससी एसटी कैटेगरी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आगे की अगर हम बात करें तो एज आपकी जो सैलरी है वो कुछ इस तरीके से 21,700 से लेकर 69,100 लेवल 3 का पे है आपका। उसके बाद अगर मैं वैकेंसीज की बात करता हूँ तो मेल में टोटल 23,347 वैकेंसीज हैं मेल पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए फीमेल्स आपके लिए 2,799 पोस्ट हैं। अगर मैं इन सबको मिलाता हूं तो 26,146 आपकी टोटल वैकेंसीज हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं एग्जाम की तो एग्जाम आपका 3 स्टेज में कंडक्ट होता है। पहला आपका सीबीटी, जो सबसे ज्यादा मेन है, सीबीटी जो होता है वो सबसे ज्यादा मेन होता है। दूसरा होता है आपका पीईटी पीएसटी फिजिकल, जिसे हम लोग कहते हैं, जिसमें रनिंग करनी होती है। और तीसरा आपका होता है मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में भी कई लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं कुछ चीजों की वजह से, मान लो आपकी नीज ज्वाइंट हो जाए, आपका हाथ ऐसे टेढ़ा सा हो जाए या ये ज्वाइंट हो रहा हो, तो इन सारी चीजों से भी आप अलग बाहर होते हैं। तो अगर हम रिटन एग्जामिनेशन की बात करते हैं बेटा, तो आपके 4 सेक्शन होते हैं जिसमें रीजनिंग है, जीके जीएस है, मैथ्स है और हिंदी या इंग्लिश, ये ऑप्शनल होता है। अगर आप पेपर में हिंदी देना चाहते हैं तो हिंदी दीजिए, अगर आप पेपर में इंग्लिश देना चाहते हैं तो इंग्लिश को दीजिए, ठीक है, ये ऑप्शनल है, बाकी सब आपको देना ही पड़ेगा। और जब रीजनल लैंग्वेज की बात आती है बेटा, तो उसको समझना क्या होता है, सपोज मान लो अभी पेपर कैसे आता है, इंग्लिश में क्वेश्चन होता है और हिंदी में होता है, तो जब रीजनल लैंग्वेज की बात कर दी जाती है कि 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आपका पेपर आएगा, इसका सेंस ये होता है कि सपोज रीजनिंग का क्वेश्चन अंग्रेजी में है तो दूसरा तमिल में लिखा होगा, तेलुगु में लिखा होगा, मलयालम में लिखा होगा, ऐसा होगा, समझ गए? यस।
रीजनिंग में 20 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर, यानी एक क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया, दो नंबर का हो गया, ठीक है। तो जब एक क्वेश्चन दो नंबर का है बेटा, और नेगेटिव मार्किंग अगर एक चौथाई हम करें, अगर हम लोग नेगेटिव मार्किंग एक चौथाई करें, नेगेटिव मार्किंग जो है अगर हम 1/4 करते हैं, 1/4 करते हैं तो कितना हो जाएगा, आधा नंबर आपकी नेगेटिव मार्किंग है। और अभी जो नोटिफिकेशन आया ना बेटा, उसमें यही गलती एसएससी से हो गई कि वो 1/4 की जगह 0.25 लिख दिया, तो उसको बाद में अभी वो करेक्ट करेगा, क्लियर है। तो 80 क्वेश्चन का पेपर, 160 नंबर का, आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। लेकिन यहां एक बाउंडेशन है, बाउंडेशन क्या है, हाइट की, कि अगर आपकी हाइट इतनी है तो आप भर पाओगे। तो मेल कैंडिडेट्स जनरल एससी और ओबीसी के, अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है तो ही आप फॉर्म भर पाओगे, और महिलाओं अगर आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर है तो ही आप फॉर्म भर पाएंगे। ऐसे अगर हाइट एसटी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स अगर आपकी कितनी है, 162.5 है तो आप फॉर्म भर पाएंगे, और फीमेल्स अगर आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर है तो भी आप फॉर्म भर पाएंगे, क्लियर है। लेकिन किसके लिए, हाइट एसटी के। उसके बाद चेस्ट मेल्स में मांगा जाता है, फीमेल्स में नहीं होता है चेस्ट का कोई क्राइटेरिया। तो मेल्स 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर का फुलाओ, मतलब 80 से 85, और यहां पर यस 79 से, ठीक है, 79 से 5, तो 79 से प्लस 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन फुलाओ चाहिए। चलो अगर आप लोग बढ़िया तरीके से चाहते हो कम समय में, क्योंकि 20 फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट हैं, तो आप बेटा जीडी के महापैक से जुड़ जाओ, Y461 कोड लगा करके डबल वैलिडिटी का फायदा उठा लो, 12+12 महीने के लिए आपको यह बैच मिल जाएगा, वो भी मात्र ₹880 में। ये आपकी पहली वैकेंसी की बात है, इसमें टेस्ट सीरीज, ई बुक, लाइव क्लास सब कुछ मिल जाएगा, ये फर्स्ट वैकेंसी। अब आते हैं सेकेंड वैकेंसी, सेकेंड वैकेंसी आपकी है IBACIO, बहुत ही अच्छी सैलरी वाली जॉब जिसे मैं कहता हूं, मस्त सैलरी है इसमें आप लोग की। तो अगर मैं यहां पर बात करने की कोशिश करूं बेटा, तो टोटल 995 लगभग 1000 वैकेंसीज हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फॉर्म को भरने की जो आखिरी तारीख है वो 15 दिसंबर है, फॉर्म को भरने की जो आखिरी तारीख है वो 15 दिसंबर है। अगर मैं एज लिमिट और क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आपकी उम्र मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 27 साल होनी चाहिए, न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष होनी चाहिए। और क्वालिफिकेशन की बात करूं, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप एलिजिबल हो इस फॉर्म को भरने के लिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं सैलरी की, अगर मैं बात करूं सैलरी की, तो आपको दिख रहा है 44,900 से लेकर 44,900 रुपए से लेकर, अगर मैं बात करने की कोशिश करूं 1,42,000 रुपए तक आपकी सैलरी के बीच होगी। और अगर मैं बोलूं इन हैंड आपको कितना मिलेगा, तो लगभग 85,000 से 90,000 रुपए स्टार्टिंग ज्वाइनिंग सैलरी आप लोग को यहां पर मिलेगी, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस में Tier 1, Tier 2 और Tier 3 तीन टीयर में एग्जाम होगा, जिसमें एक CBT एग्जाम है, दूसरा डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, और तीसरा आपका इंटरव्यू है। चलिए तो आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, फॉर्म बेटा 25 तारीख से भरा जाना स्टार्ट हुआ है, 15 तारीख लास्ट डेट है, मतलब आपका टोटल 20 डेज थे, 20 दिन थे, जिसमें से आपके अब 5 दिन जा चुके हैं, तो समय ज्यादा नहीं है। उसके बाद अगर आप फॉर्म की फी पे नहीं की हो तो चालान के थ्रू आप 19 तक कर सकते हो, ऑनलाइन 15 तक ही करने का मौका है आपके पास, अभी एग्जाम की कोई डेट नहीं अवेलेबल है। और टोटल 995 वैकेंसीज में जनरल के लिए अगर मैं बात करूं तो 377 वैकेंसी है, EWS के लिए 129, OBC के लिए 222, SC के लिए 134 और ST के लिए 133। अगर मैं बात करता हूं क्वालिफिकेशन की, तो आपकी क्वालिफिकेशन 15/12/2023 यानी 15 दिसंबर से पहले अगर आपके ग्रेजुएशन का डिग्री या फाइनल रिजल्ट आ जाता है, क्या 15 दिसंबर 2023 से पहले अगर आपके फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाता है, फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाता है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। लेकिन अगर आप फाइनल ईयर में हो और आपका पेपर मई जून जुलाई में होगा अगले साल 2024 में, तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। अगर मैं उम्र की बात करता हूं तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 18 से 27 साल एज है, लेकिन ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन, तो 18 से 30 साल हो गई, और एससी/एसटी को 5 साल का, तो 18 से 32 साल हो गई एज। फॉर्म फीस जो है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट्स के लिए ₹550 है, और बाकी सबके लिए फॉर्म फीस ₹450 है, ठीक है।
आगे की बात करें, पेपर तीन चरणों में है, टीयर वन ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू वाला है 100 नंबर का, डिस्क्रिप्टिव 50 नंबर का है, और टीयर थ्री जो है इंटरव्यू है वो आपका, ठीक है। तो चलिए मैं वो भी दिखा देता हूं आपका, वो 150 नहीं, डन है। चलिए अगर मैं यहां पर बात करने की कोशिश करूं ध्यान से, तो करेंट अफेयर आपका 20 नंबर, हाँ टीयर वन, ये देखो ये है टीयर वन, ये है टीयर वन और ये है टीयर टू, ये है टीयर वन और ये है टीयर टू। तो यहां पर अगर मैं बात करने की कोशिश करूं करंट अफेयर 20 क्वेश्चन 20 नंबर, उसके बाद जनरल स्टडीज 20 क्वेश्चन 20 नंबर, जनरल स्टडी ये करंट अफेयर है, ये जीके जीएस है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, मैथ्स 20 क्वेश्चन 20 नंबर, आपका रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 नंबर और इंग्लिश 20 क्वेश्चन 20 नंबर, एक क्वेश्चन एक नंबर का है, पेपर आपका एक घंटे का है, और जब हम नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो 1/4, तो नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.25 की है, नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.25 की है इस पेपर में। लेकिन जब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव वाले पेपर की, जिसे हम टीयर टू कह रहे हैं, जिसमें ऐसे राइटिंग है 30 नंबर की, और फिर उसके बाद इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, प्रेसी राइटिंग जो है वो 20 नंबर की, 50 नंबर का ये पेपर है, इसके लिए भी आपको एक घंटे का समय दिया जाएगा। इंटरव्यू का कोई कंफर्म नहीं है कि कितनी देर का होता है, ठीक है। चलिए अगर हम लोग बात करें सैलरी की, तो मैंने आपको बता दिया लेवल 7 की सैलरी है यहाँ पर। चलिए अगर आप लोग बढ़िया तरीके से बेटा तैयारी करना चाहते हो, Y461 कोड लगा करके आप IBACIO के इस बैच से जुड़ सकते हो। यह बैच कल से स्टार्ट हुआ, कल इसमें डेमो क्लास हुई है, मात्र 1750 रुपए में आपको यह बैच अगले दो सालों के लिए मिल जाएगा, अगले दो सालों के लिए मिल जाएगा। तो देर किस बात की, तुरंत जाकर जुड़ जाए। चलिए चलते हैं वैकेंसी नंबर 3। अगेन ये वैकेंसी ग्रेजुएशन वालों के लिए, पहली वैकेंसी 10वीं के लिए हो गई और ये दोनों वैकेंसी ग्रेजुएशन के लिए, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में टोटल जो वैकेंसी निकली है 8773 यहां पर वैकेंसी निकाली गई है। अगर मैं यहां पर बात करने की कोशिश करता हूं तो 8773 वैकेंसी है। SBI क्लर्क की जो डेट है वो 17 नवंबर से स्टार्ट हुआ है और 7 दिसंबर फॉर्म को भरने की आखिरी तारीख है। यहां पर आपका प्री और मेंस कंडक्ट कराया जाएगा। हाँ अगर हम सैलरी की बात करते हैं, 26,000 से लेकर 29,000 के बीच में आपकी सैलरी होती है। इंपॉर्टेंट डेट्स आप लोग की ये हैं कि देखो 7 दिसंबर लास्ट डेट है, हाँ 27 दिसंबर को आपका एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद प्री एग्जाम जो है आपका जनवरी 2024 में कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद जो है क्लर्क का मेंस का एडमिट कार्ड 15 फरवरी को आएगा, और फरवरी में आपका जो है वो मेंस कंडक्ट कराया जाएगा। मतलब देख लो कितना फास्ट प्रोसेस है। उसके बाद अगर मैं जनरल OBC और EWS के लिए फॉर्म फीस की बात करता हूँ 750 रुपये, और बाकी सबके लिए कोई फॉर्म फीस नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ एज की बेटा, तो आपकी जो उम्र है वो 20 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए, जो आपकी उम्र है वो 20 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए। तो सेम इसी तरीके ओबीसी को 3 साल का तो 20 से 31 साल, और SC ST को 5 साल का तो 20 से 33 साल। उसके बाद अगर आपके ग्रेजुएशन का फाइनल रिजल्ट आ जाता है 31 दिसंबर तक, तो आप एलिजिबल हो उस फॉर्म को भरने के लिए। इसमें आपका प्री और मेंस, तो प्री का जो पेपर होता है वो 60 मिनट का होता है 100 क्वेश्चन का, जिसमें इंग्लिश में 30 क्वेश्चन 30 नंबर, मैथ्स में 35 क्वेश्चन 35 नंबर, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 नंबर, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का है। नेगेटिव मार्किंग है आप लोग की 1/4 यानी 0.25 की, ये नेगेटिव मार्किंग है आपकी, समझ गए, नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर। उसके बाद हर सेक्शन को करने के लिए 20-20 मिनट में, यानी सेक्शनल टाइमिंग है इसमें। अगर हम बात करें मेंस की, तो मेंस में सब सब्जेक्ट वैसे ही रहेंगे, बस यहाँ पर सेक्शनल टाइमिंग बढ़ेगी और एक GS जनरल अवेयरनेस यहाँ पर और जुड़ जाएगा। इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 नंबर, मैथ्स 50 क्वेश्चन 50 नंबर, 45 मिनट उधर 35 मिनट, रीजनिंग और कंप्यूटर 50 क्वेश्चन 60 नंबर 45 मिनट, और जनरल फाइनेंस अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर 35 मिनट, मेंस आपका 2 घंटे 40 मिनट का होगा। अगर आप बढ़िया तरीके से तैयारी करना चाहते हो बेटा, कम समय है, तो Y461 कोड लगा करके आप इस बैच से जुड़ जाइए। मात्र 2150 रुपए में आपको यह बैच डबल वैलिडिटी के साथ मिल जाएगा, समझ गए। चलिए आगे तरफ चलते हैं, नेक्स्ट वैकेंसी NIOS में वैकेंसी निकली है बेटा, कल रात ही ये नोटिफिकेशन आया है, बहुत लेट नाइट,
डन है। चलिए यहां पर अगर मैं बात करूं एनआईओएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग 62 वैकेंसी निकाली गई है, जिसका देखो एप्लीकेशन जो है वो 30 नवंबर से स्टार्ट हुआ है और 21 दिसंबर आपकी लास्ट डेट है। ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करने की कोशिश करूं 21 लास्ट डेट है यहां पर। फॉर्म फीस जनरल ओबीसी के लिए 1500, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए 750 और ये ग्रुप ए की पोस्ट के लिए, और ग्रुप बी और सी की पोस्ट के लिए जनरल ओबीसी के लिए 1200, ईडब्ल्यूएस के लिए 600 और एससी एसटी के लिए 500 रुपए फॉर्म। तो मैं बेसिकली अगर आप लोगों से बात करूंगा तो किस एज के लिए भी देखेगा, अगर हम यहाँ पे मिनिमम एज की बात करूं 27 साल और पोस्ट वाइज एज आपकी वेरी करेगी। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये ग्रुप सी की जॉब्स हैं, ये ग्रुप सी वाली पोस्ट है। ठीक है, तो असिस्टेंट की मैं बात करूं 4 पोस्ट है, 10+2 12वीं मांगा है और आपको टाइपिंग आनी चाहिए, बोला है ना कंप्यूटर स्पीड 800 की रिप्रेशन पर आर, और आपकी उम्र जो है वो 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। दूसरा स्टेनोग्राफर की 3 पोस्ट है, यहाँ पर भी आपके पास 10+2 यानी 12वीं मांगा है और आप लोग को स्टेनोग्राफी आनी चाहिए और उम्र जो है वो 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं जूनियर असिस्टेंट की 10 पोस्ट है, यहाँ भी 12th पास मांगा है और आपको देखो ना कंप्यूटर स्पीड 6000 की डिप्रेशन, मतलब एक तरीके से यहाँ भी आपके टाइपिंग आनी चाहिए, स्पीड कम है बहुत। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो, यहाँ भी 18 से 27 साल की एज है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एमटीएस की तो 11 पोस्टें निकाली गई हैं जिसमें आपका 8th पास मांगा गया है, 8th पास मांगा गया और इसमें भी जो उम्र है वो 18 से 27 साल है। ये वैकेंसी अभी किसी को नहीं पता है, आप सब लोग चुपचाप जाकर इस फॉर्म को भर लेना ताकि आप लोग यहां से जॉब ले सकें। चलिए अगली वैकेंसी की बात करता हूं, बिहार एसएससी इंटर लेवल, इसका जो लास्ट डेट है वो 11 दिसंबर बढ़ा करके कर दिया गया था। ठीक है, बढ़ा करके इसकी लास्ट डेट, तो अगर हम इसकी लास्ट डेट की बात करें तो 11 दिसंबर एक्सटेंडेड डेट है यहाँ पर। उसके बाद टोटल 12,199 आपकी वैकेंसी है, पद है यहाँ पर। आपकी जो उम्र है, आपने अगर 12वीं का एग्जाम पास कर रखा है, 12th का एग्जाम अगर आपने पास कर रखा है तो आप एलिजिबल हो। आपकी उम्र मेल 18 से 37 साल, फीमेल 18 से 40 साल, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 18 से 40 साल और एससीएससी 18 से 42 साल आपकी एज है। उसके बाद फॉर्म फीस की मैं बात करता हूँ, 540 रुपये जनरल कैटेगरी, बाकी अदर स्टेट वालों के लिए भी 540 रुपये है और कैटेगरी के लिए 135 रुपये फीस है। सिलेक्शन प्रोसेस प्री मेन्स डॉक्यूमेंट और स्किल टेस्ट आपका। तो प्री में अगर मैं बात करूं 50 क्वेश्चन 200 नंबर के जीएस आएगी, साइंस और मैथमेटिक्स 50 क्वेश्चन 200 नंबर के और रीजनिंग 50 क्वेश्चन 200 नंबर के। तो 150 क्वेश्चन 600 नंबर का प्री का एग्जाम है, 2 घंटे 15 मिनट का समय है। नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की है, नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की है बिकॉज 1 क्वेश्चन 4 नंबर का है। फिर मेंस का एग्जाम आपका होगा, ठीक है, जिसमें से हिंदी एक लैंग्वेज का पेपर बढ़ जाएगा, बाकी आपका वही सारे सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूँ सैलरी की तो इस हिसाब से आपका लेवल वाइज पे दिखाया गया है यहाँ पर। अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो बेटा तो Y4614 कोड लगा करके आप लक्ष्य 5.0 बैच से जुड़ सकते हो। यह बैच में रीजनिंग आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूँ और मात्र 880 रुपये में आपको यह बैच मिल जाएगा, अभी आज से ही बैच स्टार्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वैकेंसी की बात करता हूँ ESIC। अभी ये वैकेंसी आई नहीं है, इसका एम्प्लॉयमेंट न्यूज में नोटिफिकेशन आ चुका है, ये 6वीं वैकेंसी है बेटा आप लोग के लिए, बट कभी भी इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। 17,710 वैकेंसी है टोटल बेटा यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर प्री मेंस इंटरव्यू और स्किल टेस्ट कंडक्ट होने वाला है इस एग्जाम के लिए। अगर मैं 17,000 वैकेंसी की बात करता हूँ तो किस तरीके से है, एमटीएस की 3,341 पोस्ट, एलडीसी की आपकी 1923 पोस्ट, यूडीसी की आपकी 6,435 पोस्ट, हेड क्लर्क की 3,415 पोस्ट और सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर मैनेजर ग्रेड टू सुपरिटेंडेंट की 2596 पोस्टें हैं आपकी। अगर मैं बात करूं फॉर्म फीस की, सभी कैटेगरी के लिए 500 और फीमेल और एक्स सर्विसमैन और SC/ST के लिए 250 रुपये फॉर्म फीस है। तो पोस्ट वाइज आप लोग की जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर दे रखी है। अगर मैं MTS के लिए बात करूँ तो 10th मांगा गया है, क्या मांगा गया है, 10th पास मांगा गया है आप लोगों से। बाकी सभी के लिए ग्रेजुएट्स, अगर मैं बात करूं किसके लिए, सोशल सिक्योरिटी मैनेजर ग्रेड टू सुपरिटेंडेंट के लिए और यूडीसी के लिए क्या मांगा गया है, ग्रेजुएशन स्नातक। ठीक है, और अगर मैं उम्र की बात करता हूं तो एमटीएस के लिए 18 से 25 साल एज है, बाकी ओबीसी को जिस प्रकार से 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है मिलेगा और एससी एसटी को जो 5 साल का मिलता है वो यहाँ भी मिलेगा।
बाकी यूडीसी के लिए 18-27 साल और सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए 30 साल से ज्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। अगर मैं पेपर पैटर्न की बात करता हूँ तो रीजनिंग है 25 क्वेश्चन 50 नंबर, जीएस है 25 क्वेश्चन 50 नंबर, मैथ्स है 25 क्वेश्चन 50 नंबर, इंग्लिश है 25 क्वेश्चन 50 नंबर, यानी 100 क्वेश्चन 200 नंबर का आपका पेपर होगा 1 घंटे का। देन पेपर टू की जब हम बात करते हैं तो रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 नंबर, जीएस 50 क्वेश्चन 50 नंबर, मैथ्स 50 क्वेश्चन 50 नंबर और इंग्लिश 50 क्वेश्चन 50 नंबर, 200 क्वेश्चन 200 नंबर का आपका पेपर होगा। सैलरी जो है आपकी यूडीसी एमटीएस एलडीसी और हेड कांस्टेबल और सोशल हेड क्लर्क इन सबकी सैलरी लेवल वाइज इस तरीके से है। सबसे ज्यादा सैलरी आपकी सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर की। अगर आप बढ़िया तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो Y461 कोड लगा करके आप इन बैचेस से जुड़ सकते हैं। ये बैचेस अभी आज से स्टार्ट हुए हैं। यूडीसी के लिए अलग बैच है, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए अलग है और एमटीएस के लिए अलग। ठीक है मेरे शेरों, होप्सो आप लोग को ये सारी जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप मेरे साथ रीजनिंग रेगुलर बेसिस पर पढ़ना चाहते हैं तो मेरी रीजनिंग की क्लास एक रोज सुबह 10 बजे यही चलती है एसएससी अड्डा पे, और एक रोज रात 10 बजे चलती है। इन दोनों क्लासेस से जुड़ करके आप अपनी रीजनिंग को भी बेहतर बना सकते हैं। तो आप ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपके कोई भी डाउट रहते हैं तो। और आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन वैकेंसीज की top 5 मैंने बोला था, बट top 6 वैकेंसीज के बारे में मैंने आपको बताया, क्योंकि लास्ट में मैंने ESIC के नोटिफिकेशन को भी रखा, क्योंकि ये पहले से ही दे जाया जा चुका है। ठीक है, तो होप सो आप लोग को मेरे द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सारे मित्रों के पास, ताकि उन तक ये वैकेंसी की एक एक बारी की डिटेल पहुंच सके और वो अच्छे से तैयारी कर सके। तो आप मेरे साथ रोज सुबह 10 बजे और रात 10 बजे रीजनिंग की फ्री यूट्यूब क्लासेस के लिए यहाँ पर जुड़ सकते हो। तो थैंक यू सो मच मेरे शेरों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अपनी तैयारी के लिए आप बैचेस से जुड़ना मत भूलिएगा, ताकि आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी को कर सके। थैंक यू सो मच, ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताना सेशन कैसा लगा। थैंक यू।